कंप्यूटर्स बेसिक्स, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर्स होता है इस तरह से, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शनैलिटी, तो ये हमारी जो स्क्रीन होती है इसे क्या बोलते हैं, मॉनिटर्स, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड के बाद माउस, ठीक है। स्पीकर, स्पीकर किसका नाम करते हैं, आउटपुट का नाम करते हैं, जैसे आवाज लगती है होते किसके में आउटपुट में, ठीक है। प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर की क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस का क्या काम होता है, यूपीएस का, यूपीएस का काम होता है कंप्यूटर को पावर देना, बिजली देना, ठीक है। अगर पावर चली जाती है तो कंप्यूटर को क्या रखता है, ऑन रखता है कुछ देर तक, ठीक है। स्टार्टिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग है कंप्यूटर, कंप्यूटर में एक ऐसा पावर बटन होता है, उससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। टर्निंग है कंप्यूटर ऑफ, तो यहाँ पे आते हैं साइड में, तो इस तरह का बटन होता है, फिर वहां जाएंगे शटडाउन पे, जो एरो दिखता है, एरो पे क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारे पास ऑप्शन आएंगे, ठीक है। तो क्या कर देंगे, शटडाउन कर देंगे, ठीक है। कीबोर्ड में कितने टाइप की की होती है, अल्फाबेट की, अल्फाबेट एबीसीडी वाली, न्यूमेरिक की 1 टू 10 0 तक, फंक्शनल की F1 F2, ठीक है। स्पेशल की जैसे यहाँ पे ये है न्यूमेरिक की, देख रहा है ना, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। ये होती है फंक्शन की F2 F3 F4, ठीक है। स्पेशल की ये होती है शिफ्ट की, एरो की, ठीक है। ये है माउस, माउस में कितने बटन होते हैं, तीन। एक होता है राइट माउस बटन, एक होता है लेफ्ट माउस बटन, तीसरा होता है माउस व्हील, ठीक है। इसमें तो कंप्यूटर, कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है और हमें एकदम सही आंसर देता है, और ये अधिक से अधिक डेटा को क्या कर सकता है, सेव कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर को हम ह्यूमन की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति से काम कराते हैं उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी काम करा सकते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ भी कर सकता है।